नमस्कार केपी एक्सप्रेस में आपका स्वागत है। मैं हूं पूजा आपके साथ। चलिए तेजी से एक नजर आज की अहम सुर्खियों पर डालते हैं। इसराइली सैनिकों की मौत के बाद नेतन्याहू ने किया युद्ध रोकने से इनकार। यूएन की इस चेतावनी से घबराई दुनिया। भूकंप से कांप उठी पाकिस्तान की धरती, घबरा गए लोग, जानिए कितना था शक्तिशाली। सऊदी अरब के मदीना में मिली ऐसी चीज जो किसी खजाने से कम नहीं, वैज्ञानिक हैरान। 65 यूक्रेनी सैनिकों को बंधक बनाकर ले जा रहा विमान क्रैश, सभी यात्रियों की मौत। कनाडा में इस वजह से हादसे का शिकार हुआ विमान, 6 लोगों की दर्दनाक मौत। रेप पीड़िता की पहचान उजागर करने वाला ट्वीट राहुल गांधी ने डिलीट किया, दिल्ली पुलिस ने दर्ज की थी FIR। ममता बनर्जी ने पश्चिम बंगाल में लोकसभा चुनाव अकेले लड़ने का फैसला किया है, इसके बाद कांग्रेस का बयान सामने आया है। उन्होंने कहा कि ममता बनर्जी की पार्टी तृणमूल कांग्रेस विपक्षी गठबंधन का एक महत्वपूर्ण स्तंभ है। 24 जनवरी को क्यों मनाया जाता है राष्ट्रीय बालिका दिवस, इंदिरा गांधी से जुड़ा है इतिहास। नहीं थम रही ठंड की मार, यूपी बिहार समेत अन्य राज्यों में कैसा रहेगा मौसम। रामलला के दर्शन को लेकर बीजेपी का स्पेशल अभियान, मात्र 1000 रुपए में आना जाना रहना और खाना सब फ्री। आरक्षण पर महाराष्ट्र में कुछ बड़ा होने वाला है, 400 जातियों के महासंघ के राष्ट्रीय अध्यक्ष ने दी चेतावनी। ज्ञानवापी परिसर की सर्वे रिपोर्ट हिंदू मुस्लिम पक्ष को सौंपने का आदेश। कलबुर्गी में डॉक्टर अंबेडकर की मूर्ति को अपवित्र करने का आरोप में 4 गिरफ्तार। राहुल गांधी पर हमला सुरक्षा व्यवस्था की विफलता को दर्शाता है, कर्नाटक के सीएम सिद्धरामैया ने कहा। भाजपा को लोकसभा चुनाव में भगवान राम के श्राप का सामना करना पड़ेगा, मधु बंगारप्पा का कहना। चिकमंगलूर में डीसी कार्यालय के सामने होम 5 के खिलाफ FIR दर्ज। बेंगलुरु पुलिस ने मशाल की रोशनी में विरोध प्रदर्शन के लिए युवा कांग्रेस अध्यक्ष नलपत पर मामला दर्ज किया। हिंदू धर्म बीजेपी की निजी संपत्ति नहीं, कर्नाटक के मुख्यमंत्री डीके शिवकुमार ने कहा। दिल से सोल्जर, दिमाग से शैतान है, ताबड़तोड़ एक्शन के साथ अक्षय टाइगर ने कराई बड़े मियां छोटे मियां की पहचान। एक्टर को जहरीले कीड़े के छूने से आया हार्ट अटैक, आलिया भट्ट के साथ कर चुके हैं काम। रोहित शर्मा ने नहीं किया पहले टेस्ट की प्लेइंग 11 का ऐलान, फिर भी 3 नामों का खुलासा। सचिन तेंदुलकर के बड़े कीर्तिमान पर मंडराया खतरा, भारत बनाम इंग्लैंड सीरीज में टूटना तय। DGCA ने एयर इंडिया पर लगाया 1.1 करोड़ का जुर्माना, सुरक्षा उपाय नहीं बरतने के लगे आरोप। लाल निशान पर खुला बाजार, रियलिटी शेयरों में सबसे अधिक गिरावट। केपी एक्सप्रेस में आज इतना ही, अन्य समाचारों के लिए देखते रहिए केपी न्यूज 24/7। धन्यवाद।